हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है नगरीय बस्तियों के प्रकार, लेकिन ये प्रकार जो है आकार, उपलब्ध सुविधाएं व कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों के प्रकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक अपन डालते हैं नगरीय बस्तियों के प्रकार। पिछली वीडियो में भी हमने प्रकारों के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये जो प्रकार है ये है आकार के आधार पर। ठीक है, मिश्रित रूप में बता रहा हूं आपको मैं, उपलब्ध सुविधा के आधार पर। ठीक है, और एक बिंदु है आपके कार्यों के आधार पर। ठीक है, मतलब ये आपके जो तीन बिंदु है इन आधारों पर अपन नगरीय वस्तुओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो आता है नगर बस्ती का पहला बिंदु है नगर, दूसरा आता है शहर। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है वो है सैन्य नगर। ठीक है, चौथे नंबर पे जो बिंदु आता है वो है विश्व नगरी, विश्व नगरी। और पांचवें नंबर पे आता है मिलियन सिटी। कुल मिला के ये पांच बिंदु आपके सामने हैं नगरों के। एक एक बिंदु का अपन अध्ययन करेंगे इसके अंदर। सबसे पहला बिंदु अपन लेते हैं नगर के लिए। ठीक है, ये वाला बिंदु लेंगे अपन। देखिए नगर क्या होता है, मुख्य रूप से नगर का निर्माण कुछ विशेष कार्यों के आधार पर। ठीक है, नगरों का निर्माण, और नगर भी हर नगर नहीं, कुछ नगर की बात करेंगे अपन। ठीक है, नगरों का निर्माण कुछ विशेष कार्यों के आधार पर, निर्माण किया जाता है। अब विशेष कार्य कौन से, देखिए कार्य के आधार पर बताया था ना आपको मैंने ये बिंदु। अब विशेष कार्य कौन से, ऐसे नगर जहां पर, जहां निर्माण कार्य हो रहा हो, खुदरा कार्य हो रहा हो, या फिर इसके अलावा जितने भी आपके थोक व्यापार संबंधित, थोक व्यापार कार्य हो रहे हो नगर कहलाते। ठीक है, मतलब वहां पर ऐसा क्षेत्र जहां पर कौन सा कार्य, निर्माण कार्य, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हो, स्कूल बन रहे हो, हॉस्पिटल बन रहे हो। ठीक है, खुदरा कार्य और थोक व्यापार आप जानते ही हैं, जैसे कि आप माल खरीदने जाते हो छोटी दुकान पर, एक बड़ा व्यापारी छोटी दुकानों को माल बेचता है, थोक व्यापारी हो गया। तो इस तरीके से कार्य होता है। इसके अलावा और भी हम डाल सकते हैं, जैसे सेवाएं होती है, अब सेवाओं में तो बहुत सारी सेवाएं हो गई, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी चीजें, जैसे कि एक अध्यापक, जैसे कि मैं भी एक इन सेवाओं के अंतर्गत आता हूं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कार्य अगर कहीं पे हो रहे हैं तो क्या कहलाएगा, नगर कहलाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है शहर। देखिए शहर क्या होते हैं, देखिए शहर जो होता है इससे थोड़ा आगे होता है, किससे, नगर से। यह अग्रणीय नगर होते हैं। ठीक है, मतलब नगर से थोड़े आगे होते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लेविस मम्फोर्ड के शब्दों की अगर हम बात करें, ठीक है, उन्होंने एक शब्द कही, मतलब उन्होंने शहर के बारे में कुछ बताया। उन्होंने क्या बताया, शहर एक उच्च, ठीक है ना, उच्च व अधिक, ठीक है ना, जहां पे उच्च स्तर पर, मतलब शहर की जो स्थिति है वो कैसी हो, उच्च और अधिक प्रकार की जटिल, जटिल मतलब कठिनाईपूर्ण जिंदगी, ठीक है, प्रकार का सहचारी। सहचारी का मतलब होता है, मतलब जहां पे, सहचारी शब्द जीवन के लिए लिया गया है, मैं आगे लिखता हूं, सहचारी जीवन का
भौतिक स्वरूप कहलाता है। यह शहर की परिभाषा है। किसने दी थी? लेविस मंफोर्ड ने। वो बता रहा है कि शहर क्या है। शहर का जीवन उच्च होता है और अधिक मात्रा में कठिनाईपूर्ण होता है, मतलब जटिल होता है। साथ में यहां का जीवन सहचारी होता है और जहां पे वो जीवन यापन करते हैं वो भौतिक स्वरूप होता है, मतलब एक ऐसा भौतिक स्वरूप जहां पे व्यक्ति जीवन उच्च व कठिनाईपूर्ण अपना जीवन जिए, क्या कहलाता है? शहर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए शहरों की और भी कुछ विशेषताएं हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए शहर की चर्चा चल रही है अपनी। देखिए शहर के अंदर आगे की ओर बढ़े तो शहर नगरों से बड़े होते हैं। ठीक है, शहर क्या होते हैं? नगरों से बड़े होते हैं। इसके अलावा यहां पर जितने भी आर्थिक कार्य होते हैं ठीक है, बड़े स्तर पर व्यापार का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा शहर में जितने भी प्रादेशिक कार्य या कह दीजिए प्रादेशिक कार्यालय, ठीक है ना, प्रदेश से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वह यातायात के केंद्र होते हैं। ठीक है, ये तो ही किसके बारे में? शहर के बारे में, नगर की। ठीक है, तीसरा बिंदु डालेंगे अपन सैन्य नगर। देखिए सैन्य नगर क्या होता है? सबसे पहले तो ये सैन्य नगर शब्द आया कहां से? ठीक है, सैन्य नगर जो शब्द आया था यह शब्द की शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम एक व्यक्ति था, उसका नाम था पैट्रिक गिडिज। क्या नाम था? पैट्रिक गिडिज और समय था 1915 का। ठीक है, आगे बस समझ में। पैट्रिक गिडिज ने 1915 के अंदर यह नाम दिया था, नाम दिया। आगे वासन में, यह शब्द की शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम पैट्रिक गिडिज ने 1915 में नाम दिया। ठीक है, अब सैन्य नगर होते क्या? देखिए ये एक विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं। यह एक विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, मतलब नगर के अंदर सबसे बड़ा नगर क्षेत्र यही होते हैं। अलग अलग नगर, अब ये बनते कैसे हैं? अलग, इसको इस तरीके से लिखेंगे अपन, यह अलग अलग नगर व शहरों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे तो नगर और बहुत सारे शहर जब आपस में मिल जाते हैं तो आपके इन नगरों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको, ग्रेटर लंदन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्रेटर लंदन। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मैनचेस्टर का। ठीक है ना, ऐसे कुछ उदाहरण है जो किसके अंतर्गत आते हैं। शिकागो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आपने टोक्यो का नाम सुना होगा। ये सब किस में आते हैं? आपके सैन्य नगर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, आप उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। अगला बिंदु आता है अपना विश्व नगरी। देखिए विश्व नगरी क्या है? चौथे नंबर का बिंदु आता है विश्व नगरी। देखिए विश्व नगरी जो है, अब देखिए ये शब्द कहां से आया? यह यूनानी शब्द मेगालो
पोलिस, मेगालोपोलिस, ठीक है ना, ये एक यूनानी शब्द है, ठीक है ना। मेगालोपोलिस कई बार पूछ लेता है कि मेगालोपोलिस क्या है, ठीक है ना, या इसका अर्थ बताइए। यह एक यूनानी शब्द है, इसका अर्थ क्या है, विशाल नगर, ठीक है, विशाल नगर है, इसका अर्थ क्या है, विशाल नगर। अब इसका शब्द का जो प्रयोग किया गया था, यह प्रयोग किया गया था 1957 के अंदर, एक व्यक्ति था जिसका नाम था गॉटमैन नाम का व्यक्ति था, 1957 में जीन गॉटमैन, क्या नाम था, जीन गॉटमैन ने किया था, ठीक है, जीन गॉटमैन नाम का व्यक्ति था, 1957 में इसका प्रयोग किया था, ठीक है। अब देखिए इसको कुछ विशेषता है, यह एक बड़ा महानगर प्रदेश होता है, यह एक बड़ा महानगर प्रदेश होता है। और देखिए विश्वनगरी की विशेषता, इसमें कई सारे सैन्य नगर, मतलब ये विश्वनगरी कब बनता है, यह नगर कई सारे सैन्य नगर जब आपस में मिल जाते हैं, सैन्य नगर आपस में मिलते हैं तब बनते हैं, मतलब ये नगर कब बनते हैं, जब कई सारे सैन्य नगर आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं समूह के रूप में, तो आपके विश्व नगरी का निर्माण होता है, ठीक है। अब उदाहरण, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जहां पर उत्तर का बोस्टन एरिया, ठीक है ना, उत्तर का बोस्टन एरिया से लेकर दक्षिण में वॉशिंगटन, ठीक है ना, बोस्टन से उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में कौन सा शहर बताया, वॉशिंगटन, ठीक है ना, ये जो जगह थी वहां पर ऐसे आपको विश्व नगरी मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, विश्व नगरी, आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी बिंदु आता है अपना कौन सा, मिलियन सिटी, बहुत सरल है, सरल शब्दों में समझाऊं तो एक ऐसी सिटी जहां पर 10 लाख लोग रहते हैं, मिलियन सिटी कहलाती है, ठीक है ना, एक ऐसा क्षेत्र जहां 10 लाख से अधिक लोग निवास करते हो, क्या कहलाएगा, मिलियन सिटी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए मिलियन सिटी की कुछ विशेषताएं, मैं अगर पुराने समय में जाऊं तो 1800 के समय में जाऊं तो सबसे पहले लंदन, ठीक है ना, लंदन को मिलियन सिटी कहा गया, किसको, लंदन को, कब, 1800 के अंदर। और आगे बढ़े तो हम आएंगे कब, 1850 के अंदर, 1850 के अंदर पेरिस को मिलियन सिटी, फिर मैं बात करूं 1950, ठीक है ना, तक 80 मिलियन सिटी हो गई, कितनी सिटी हो गई, 80 मिलियन सिटी। और आगे बढ़े तो 75 के अंदर आऊं तो आपके कितने हो गए, 160 मिलियन सिटी हो गई। और जब मैं 2005 में आया
तो टोटल कितनी 438 मिलियन सिटी हो गई। तो ये आपको मिलियन सिटी के बारे में बताया, कुल मिला के बात ये हो गई। आकार भी आ गया, आकार मतलब जनसंख्या, देखिए जनसंख्या की स्थिति के आधार पर भी हो गया, उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर जो मैंने अभी फर्स्ट टॉपिक में बताया, जहां पर निर्माण, खुदरा, थोक व्यापार या कई तरह की व्यावसायिक सेवाएं, ठीक है ना, जहां पर उपलब्ध सुविधा, जैसे कि सेवाएं कौन सी होती है, जैसे कि अध्यापक हूं मैं वो आपको सेवा दे रहा है, डॉक्टर है जो आपको सेवा दे रहा है, धोबी नाई सेवा दे रहा है, सब किस में आते हैं, नगर में आते हैं। तो नगर का निर्माण सुविधाओं के आधार पर हुआ, कार्यों के आधार पर हुआ, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे अपन ने शहर पढ़ा, शहर के अंदर क्या पढ़ा, उसमें कार्य के आधार पर भी था, जहां पे प्रशासनिक कार्यालय थे, यातायात के केंद्र थे, तो कार्य के आधार पर उनको बांट दिया, शहर बन गए। फिर मैंने सैन्य नगर के बारे में बताया, तो सैन्य नगर के अंदर कई सारे नगर और शहर जब आपस में मिल गए सैन्य नगर बन गए। विश्व नगरी के बारे में बताया, तो बहुत सारे सैन्य नगर आपस में मिल गए तो सैन्य नगर विश्व नगरी हो गई। और 10 लाख से अधिक या आकार हो गया, 10 लाख से अधिक लोग जब कहीं पे रहते हैं तो वो मिलियन सिटी हो गई। दो क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो क्या, पहला क्वेश्चन सैन्य नगर शब्द की शब्दावली किसने दी, और दूसरा विश्व नगरी शब्द की शब्दावली किसने दी। सैन्य नगर शब्द की शब्दावली किसने दी थी, पैट्रिक गिडिस ने, किसने दी थी, पैट्रिक गिडिस ने दी थी 1915 में दी थी, ठीक है। विश्व नगरी किसने दी थी, मेगालोपोलिस शब्द से तो बना विशाल नगर, 1957 के अंदर जीन गॉटमैन ने इस विश्व नगरी शब्द की शब्दावली के बारे में बताया। तो आज मैंने आपको बताया नगरीय बस्तियों के प्रकार, आकार, उपलब्ध सुविधाएं और कार्यों के आधार पर 5 भागों में मैंने आपको बंटवारा करके बताया। इस वीडियो में इतना।